आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। आज हम सातवीं कक्षा के अंतर्गत पाठ संख्या 10, इस पाठ का शीर्षक है मेरी अभिलाषा। अभिलाषा यानी इच्छा, जो मन की इच्छा है वह उसे हम अभिलाषा कह सकते हैं, कल्पना कह सकते हैं। इच्छा, कल्पना जो भी है, मेरी अभिलाषा जो है, यहाँ पर इसके कवि जो हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, ये एक बाल गीतकार हैं। कवि के साथ साथ बालकों के लिए बहुत सारे इन्होंने गीत लिखे हैं। आपके पाठ्य पुस्तक के लिए मेरी अभिलाषा यह कविता रखी हुई है। इस कविता को पढ़ने से पहले इसका उद्देश्य या संदेश हम जानना जरूरी है। तो देखिए, इस कविता में सेवा यानी जो है सेवा मनोभाव, किस प्रकार हम दूसरों की, ये पीड़ा, कोई पीड़ित है, उसे कुछ घायल हो गया, वह कहीं गिरकर घायल हुआ है, तो हम उसे क्या करना है, पहले उठाना है, उस जख्म को मरम्मत करनी है, यही जो है सेवा मनोभाव है। उसी प्रकार कहीं पर जो स्वच्छ भारत अभियान है, कहीं पर कचरा कूड़ा गिरा हुआ है तो उसे क्लीन करना, स्वच्छ करना, वही एक प्रकार का सेवा हो जाता है। इस कविता में हम सेवा, दूसरा है त्याग, त्यागना, परित्याग करना। जैसे कि देखिए, गांधी जी को ले लीजिए, जब वह विदेश से भारत आए, अफ्रीका से भारत आए, पहले वो सूट बूट पहनते थे। एक दिन उन्होंने भारतीय जो लोगों को देखा, उनमें बहुत ही गरीब लोग जो हैं, उनको देखते ही उनका मन जो है परिवर्तन हो गया। वो उन्होंने भी वस्त्रों का त्याग कर दिया, धोती उतना ही पहनना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उनका यह त्याग मनोभाव। और जो है हमारे अमर सैनिक अपने देश के लिए, अपने परिवार को त्याग कर देश के प्रति, देश की रक्षा करने के लिए वह अपना बलिदान देते हैं, त्याग करते हैं, अपने सारा परिवार, माँ बाप, वह अमर हो जाते हैं। उसी प्रकार सहनशीलता, लोगों में सहनशीलता यदि ज्यादा है तो किसी चीज को, देखिए सहनशील कम होने से दूसरों आपस में जो है झगड़ा होता है, सहन शक्ति जो है सभी के विल पावर बढ़ाने में मदद करता है। उसके साथ आप देख लीजिए, माताओं को सहनशीलता ज्यादा होता है पिताजी से भी, इसीलिए स्त्री को सहनशीलता का दूसरा नाम है। तो एक तो हम सेवा मनोभाव जानेंगे, त्याग का, उसी प्रकार सहनशीलता किस प्रकार है इस कविता में जानेंगे। दृढ़ता, दृढ़ता यानी एक जगह अडिग रहना, एक जगह डटे रहना। यानी देखिए, यदि आप निडर हैं, किसी से डरते नहीं हैं, यदि आंधी आ गई सामने से तो भी उसे डर कर भागना नहीं है, निडरता से, दृढ़ता से रुकिए, वो आंधी अपने आप चले जाएगी। इसीलिए इस कविता में दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश मिलता है। यानी जीवन मूल्य, ये सब जो हैं, यह जीवन में एक ना एक आपके मूल्यों के रूप में, अमूल्य रत्न के रूप में आपकी जो व्यक्तित्व है उसे बढ़ावा देते हैं। किस प्रकार ये सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता किसके माध्यम से आपको यहाँ पर इस कविता में बताया गया है, इसे हम देखेंगे। उससे पहले मेरी अभिलाषा जो है, मेरी इच्छा जो है, मेरी कल्पना जो है, उससे पढ़ने से पहले द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में पहले इनका, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का भावचित्र देखेंगे।
जो इस प्रकार है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी 1 दिसंबर 1916 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है 29 अगस्त 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ये जो है कवि में बाल गीतकार को ज्यादा महत्व दिया है। आपके पाठ्य पुस्तक में इनकी थोड़ी बहुत कवि परिचय है। ग्राम रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में जन्मे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी 1916-1998 इनका जीवन और मृत्यु का कालक्रम है। अपने जीवन काल में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरस्वती साधना सम्मान से पुरस्कृत हुए। यानी एक तो उत्तर प्रदेश के संस्थान से बाल साहित्य पुरस्कार भी मिला इनको, दूसरा है सरस्वती साधना सम्मान से पुरस्कृत हुए, यानी पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। उसी प्रकार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कविता संग्रह में फूल और शूल और खंड काव्य में क्रौंच वध, सत्य की जीत, बाल काव्य कृतियां हैं वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो। ऐसी जो कविता है जो है किसी भी बालक हो किसी को भी जो प्रेरणा देने वाली जो कविता है वीर तुम बड़े चलो, इसमें सारा कुछ निहित है। उसके साथ साथ हम सब सुमन एक उपवन के, यह उनकी कविता है। सोने की कुल्हाड़ी, कातो और गाओ, सूरज सा चमकू मैं बाल गीतायन, ये सभी जो हैं इनके कविताएं हैं, बाल काव्य कृतियां हैं। तो इसके अलावा इनकी बाल कविता इतनी प्रसिद्ध थी कि एक कवि जो है उनको किस प्रकार इनकी कविता सुनने के लिए एक प्रसंग है उसे हम देखेंगे। यहां पर देखिए द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उनका जन्म आगरा के रोहता में हुआ था। शिक्षा और कविता को समर्पित द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जीवन बहुत ही चिंताकर्षक और रोचक है। उनकी कविता का प्रभाव सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार, वे भी एक बाल साहित्यकार हैं, कृष्ण विनायक फड़के ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में प्रकट किया कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी शव यात्रा में माहेश्वरी जी का बाल गीत हम सब सुमन एक उपवन के गाया जाए। देखिए इनकी कविता इतनी प्रसिद्ध है माहेश्वरी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की, जो बाल साहित्यकारी हैं कृष्ण विनायक फड़के, इनकी मृत्यु के बाद शव यात्रा में जब उनको ले जो मशान तक लेके जाने का जो यात्रा है उस समय उनकी एक इच्छा प्रकट की, उन्होंने उनकी एक इच्छा जताई कि उनके जो रचित माहेश्वरी द्वारा रचित हम सब सुमन एक उपवन के गाया जाए मेरी शव यात्रा के दौरान, ऐसे उन्होंने जताया। आगे देखेंगे देखिए फड़के जी का मानना था कि अंतिम समय भी पारस्परिक एकता का संदेश दिया जाना चाहिए। देखिए कोई भी कवि हो उनका एक ही उद्देश्य होता है, संदेश होता है कि एकता को बनाए रखे, विविधता में एकता, विविधता भरा पड़ा हुआ है हमारे भारत देश में, उसे एकजुट बनाने का वही संदेश निहित रखते हैं। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ने अपनी होर्डिंगों में प्राय सभी जिलों में यह गीत प्रचारित किया, यानी प्रसार किया, और उर्दू में भी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था
हम सब फूल एक गुलशन के, लेकिन वह दृश्य सर्वथा अभिनव और अपूर्व था, यानी बहुत ही बढ़िया था, जिसमें एक शव यात्रा ऐसी निकली जिसमें बच्चे मधुर धुन से गाते हुए चल रहे थे। देखिए इतना अच्छा गाना था कि बच्चे भी उसे गुनगुनाते, मधुर गाने को गुनगुनाते चल रहे थे। हम सब सुमन एक उपवन के, इस प्रकार आगे देखेंगे। तो देखिए उन्होंने शिक्षा के व्यापक प्रसार और स्तर के उन्नयन के लिए अनथक प्रयास, यानी बिना थकान के प्रयास किया। उन्होंने कई कवियों के जीवन पर वृत्तचित्र बनाकर उन्हें याद करते रहने के उपक्रम दिए, यानी जो है जीवन पर वृत्तचित्र भी उन्होंने जो है माहेश्वरी ने उपक्रम में दिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महाकवि पर उन्होंने बड़े जतन से वृत्तचित्र बनाए हैं। वृत्तचित्र जो है वो भी एक गद्य का भाग है। यह एक कठिन कार्य था लेकिन उसे उन्होंने पूरा किया। बड़ों के प्रति आदर सम्मान का भाव माहेश्वरी जी जितना रखते थे उतना ही प्रेम उदीयमान साहित्यकारों को भी देते थे। उन्होंने आगरा के अपना काव्य क्षेत्र बनाया, आगरा को जो है काव्य क्षेत्र बनाया। केंद्रीय हिंदी संस्थान को वह एक तीर्थ स्थल मानते थे। देखो केंद्रीय हिंदी संस्थान को एक तीर्थ स्थल, पवित्र स्थान मानते थे। इसमें प्राय भारतीय और विदेशी हिंदी छात्रों को हिंदी भाषा और साहित्य का ज्ञान दिलाने में माहेश्वरी जी का अवदान हमेशा याद किया जाएगा। वह गृहस्थ संत थे, गृहस्थ जैसे संत थे। इनके बारे में हम माहेश्वरी के बारे में एक घटना भी हमने देखी जो किस प्रकार दूसरे कवि ने अपने शव यात्रा में गाने के लिए कहा। अब हम पाठ की कविता की ओर बढ़ते हैं। मेरी अभिलाषा है, आप सबकी अभिलाषा, मेरी इच्छा है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार आपकी इच्छा जो है छोटा नहीं होना है, बहुत बड़ा होना चाहिए। देखिए वो हाथ फैलाते हुए बोल रहा है कि मेरी अभिलाषा है कि मैं आकाश में उड़ सकूं, ऐसी। ठीक है आगे देखेंगे। तो यहां पर देखिए ये समझने की बात है इस कविता में, हमें अपनी इच्छाओं के दामन को, दामन यानी जो झोला है कि हमारा क्षेत्र है, हमारी जो रेंज है कहते हैं ना, को कभी समेटना नहीं चाहिए। यानी इतना ही चाहिए उतना ही चाहिए, क्योंकि कल्पना इच्छा जो है आपको बहुत बड़ा सोचना है, भले ही वह आपके लिए संभव हो या ना हो, लेकिन इच्छाएं जो है आपको ऐसी इच्छा बनाना है कि आप कोई कूली ना बने, आप सीधा एक बहुत बड़े योद्धा बने या प्रधानमंत्री बने, ऐसी इच्छा आपको जतानी है। इंसान को सूर्य और चंद्रमा के समान उज्जवल, सूर्य देखिए चमकता है और प्रकाशित करता है और सभी जीवों में जो है जैसे शक्ति प्रदान करता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है। नभ के समान निर्मल और बादलों के समान परोपकारी, देखिए नभ जैसा है निर्मल, कितना निर्मल होता है, और बादलों के समान परोपकारी। बादल जो है क्या वर्षा को बरसते हैं, इसीलिए परोपकारी जो है दूसरों को उपकार करने की जो बनने की कामना करनी चाहिए। केवल हमारा हित के लिए नहीं सोचना है, दूसरों को भी हित हो इसीलिए उनको भी मदद करना चाहिए, परोपकारी कहलाना चाहिए। तो चलिए कविता इस प्रकार है, तो मैं इसे पहले पूरा पढ़ता हूं इस कविता को। कविता जो है इस प्रकार है। सूरज सा धमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा धमकू मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू मैं,
विहगों सा चहकू मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू मैं, मेरी अभिलाषा है। नब से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता लूं, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। इस प्रकार पूरा कविता है। यहाँ पर मैंने एक ही स्टांजा लिया है। इस समय इस भाग में मैं इसका एक ही जो पंक्ति है उसे मैं विवरण करूंगा। पहले हम इसे स्वस्वर में जो पूरी कविता है उसे पढ़ लेंगे। जैसे देखो, सूरज सा धमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा धमकू मैं, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, फूलों सा महकू मैं, विहो सा चमकू मैं, चहकू मैं, गूंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू मैं, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, नभ से निर्मल तालू, शशि से शीतल तालू, धरती से सहिष्ण तालू, पर्वत से दृढ़ तालू, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, सूरज ता सूरज सा धमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, चंदा सा मैं चमकू मैं, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। इस तरह माहेश्वरी ने बहुत ही सुंदर कविता को यहाँ पर आपके लिए अध्ययन के लिए रखा हुआ है। तो पहली पंक्ति है, सूरज सा धमकू मैं, सूरज सा धमकू, धमकू यानी यहाँ पर क्या है, झलकना, उसकी जो झलक है, किरणें जो हैं, देखिए आपको पता होगा विज्ञान में जो पत्ते हो, पेड़ के पत्ते हो, सभी प्रकार के जो पत्ते हैं सूरज की किरणों से ही अपना आहार बनाते हैं। देखिए आपको अंधेरा ही रहेगा, सुबह नहीं हुआ, सूर्योदय नहीं हुआ तो आपको कैसे लगेगा, नहीं चलेगा, केवल आपका जीवन अंधकार में बैठ जाएगा। इसीलिए सूरज सा धमकू यानी चमकने की, जो झलकने की बात है यहाँ पर कर रहे हैं। चंदा सा चमकू मैं, चंद्रमा, देखिए सूरज को तो आप झलकते हुए देखते हैं, उसे आप जो है हूबहू नहीं देख सकते अपने आंखों से, क्योंकि उतना वह प्रकाशित होता है। वही चंदा सा चमकू मैं, चंद्रमा जो होता है रात में, आप देखिए चंद्रमा को आप देख सकते हैं कितना वह शीतल होता है, उसकी प्रकाश जो है शीतलता प्रदान करती है। तो चमकू मैं, चमकना यानी जने झलकना या चमकना ऐसे होता है, चमकू यानी चंदा सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्जवल, झलमल झलमल यानी चमक धमक, चमक धमक जो है दोनों में, चमक धमक जो है उज्जवल, उज्जवल यानी प्रकाशमान। देखो यहाँ पर जो है चमक धमक जो है उज्जवल, उज्जवल यानी क्या है, प्रकाशमान, तारों सा धमकू मैं। तारे भी कैसे होते हैं, चमकते हैं कि नहीं, टिमटिमाते रहते हैं, तारे भी जो है धमकते रहते हैं। मेरी अभिलाषा है, मेरी भी अभिलाषा है, मेरी भी इच्छा है, क्यों ना ये इतना सूरज जो है चमकता रहता है, झलकता रहता है, सभी को जो है उल्लासित करता है, सभी को जगाता है। उसी प्रकार चंदा सा चमकू मैं, देखो चंद्र जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सूरज जो है धमक रहा है यानी झलक रहा है, देखिए चारों ओर जो है प्रकाशमय हो गया है। उसी प्रकार चंदा सा मैं चमकू मैं, यहाँ पर देखिए चंदा जो है कितना शीतलता आपको प्रदान करती है, कितना अच्छा लगता है देखने के लिए। चंदा मामा जो है बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए दिखाकर खाना खिलाते हैं, उनके जैसे मैं बनना चाहता हूँ। उसी प्रकार जलमल यानी चमक धमक जो है उज्जवल जो है तारों सा धमकू मैं, तारों सा, देखिए तारे कैसे होते हैं, देखिए कितने अच्छे टिमटिमाते रहते हैं, चंद्रमा भी है तारे भी हैं, तारों सा धमकू मैं, मेरी अभिलाषा है। इन सब की तरह सूर्य चंद्र और तारा जो है उनकी तरह मैं भी जो है चमकना धमकना चाहता हूँ, ये भी मेरी इच्छा है,
मेरी इच्छा है ऐसे कहते हैं। तो अब आज हमने तीन पंक्तियों में से एक पंक्ति का विवरण किया। अगले वीडियो में मैं जो बाकी के दो जो पंक्तियां हैं उसे मैं विवरण करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।